यदि आपको मेहंदी लगाना अच्छा लगता है और आपको अच्छे अच्छे डिज़ाइन में मेहंदी बनाना आता है, तो आप अपने इस टैलेंट को अपना बिजनेस बना सकते हैं, जिससे आप हर महीने हजारों रुपए कमा सकते हैं। विवाह, त्यौहार व अन्य समारोहों के चलते लाखों रुपए तक भी कमा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आप कैसे इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, वो भी एकदम सरल भाषा में। तो मेहंदी पार्लर का सही नाम चुनिए। यदि आप मेहंदी पार्लर खोलना चाहते हैं तो आपको अपने पार्लर का एक यूनिक नाम सोचना होगा। सोशल मीडिया पर अपने पार्लर के नाम का अच्छा लोगो तैयार करवाएं और वहां मेहंदी की डिजाइंस के कुछ वीडियोस अपलोड कर दें। आप चाहें तो पार्लर के अच्छे प्रमोशन के लिए शहर की कोई छोटी मॉडल हायर कर लें। इससे आपका बिजनेस अच्छे से प्रमोट हो जाएगा और अधिक खर्चा भी नहीं आएगा। दूसरा है, मेहंदी पार्लर खोलने की सही जगह का चयन करें। यदि आप घर से मेहंदी सिखाने व लगाने का काम करते हैं तो आपको जगह का कुछ खास चयन नहीं करना होता है, क्योंकि आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। यदि आप इस बिजनेस के लिए किसी दुकान का चयन करते हैं तो आपको जगह, लोकेशन आदि पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ये जगह मार्केट में होनी चाहिए जहां महिलाएं मेहंदी लगवाने के लिए आसानी से आ जा सके। आपके पार्लर का एक अच्छा सा लोगो तैयार करवाएं जो दिखने में सुंदर और आकर्षक हो। इसके अलावा आपके साथ काम करने वाले लोगों की एक ड्रेस कोड भी होना चाहिए, जिससे आपके बिजनेस का एक प्रोफेशनलिज्म नजर आता है, जिससे आपके बिजनेस को पहचान मिलती है, उसका प्रभाव अच्छा पड़ता है। इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि आपका स्टाफ ग्राहक से अच्छा व्यवहार करें। तय करें सही दाम। यदि आप प्रोफेशनल तरीके से काम को करना चाहते हैं तो मेहंदी लगाने का रेट एकदम सही रखें। यदि आप किसी के घर जाकर मेहंदी लगाते हैं तो उसका अलग से चार्ज करें। अगली बात है कि दूल्हा दुल्हन और अन्य सदस्यों का चार्ज। यदि आप घर के सभी सदस्यों को मेहंदी लगा रहे हैं तो दूल्हा दुल्हन के हाथों और पैरों में मेहंदी लगाने का सबसे ज़्यादा चार्ज है। अब ये चार्ज 500 से लेकर 5000 तक कुछ भी हो सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर किसी की नज़र दूल्हा दुल्हन पर होती है, तो जाहिर सी बात है कि मेहंदी भी अधिक गहरी लगानी पड़ती है और सुंदर लगानी पड़ती है, और दुल्हन के हाथों में मेहंदी लगाने में टाइम भी बहुत लगता है और इनकी मेहंदी का काम भी बहुत ही बारीकी से करना पड़ता है। अब इसके बाद आते हैं दुल्हन की बहन, दुल्हन की माँ, भाभी, चाची, मामी और फ्रेंड्स, जिनका चार्ज भी अलग अलग तय करें। बता दें, सबसे पहले आप दुल्हन के हाथों में मेहंदी लगाएं, क्योंकि बाकी सदस्यों को पहले मेहंदी लगाने से आप थक जाते हैं और फिर दुल्हन के हाथ की मेहंदी बिगड़ने की संभावना रहती है। अगर आप दुल्हन के हाथों की ही मेहंदी बिगाड़ देंगे तो इससे आपका इंप्रेशन खराब हो जाएगा और दूसरी जगह के ऑर्डर भी मिलना बंद हो जाएंगे। अगली बात है समय पर पहुंचें। अगर आपके पार्लर में कोई मेहंदी लगवाने आता है तो ठीक है, लेकिन आप किसी के घर पर जाकर मेहंदी लगाते हैं तो समय का ध्यान बहुत अच्छे से रखें। तय समय पर पहुंचे, इससे आपका अच्छा प्रभाव पड़ेगा और इससे आपके बिजनेस को भी फायदा होगा। मेहंदी लगाने के बाद आप ध्यान रखें, वहां से आने से पहले उनके मोबाइल नंबर अपनी डायरी में नोट कर लें और अपना खुद का मोबाइल नंबर भी उन्हें नोट करवाएं। ऐसे इसलिए ताकि दूसरी बार मेहंदी का काम वो आपसे ही करवाएं। अब अगली बात आती है कि मेहंदी डिज़ाइन के प्रकार। तो मेहंदी डिज़ाइन के कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे अरेबिक मेहंदी, भारतीय मेहंदी, पाकिस्तानी मेहंदी, धार्मिक डिज़ाइन मेहंदी, ब्राइडल मेहंदी, ग्रूम मेहंदी, ग्लिटर मेहंदी, मल्टी कलर मेहंदी, मुगलई मेहंदी, मोरक्कन मेहंदी। तो ध्यान दें, जितने मेहंदी के प्रकार होते हैं उन्हीं के हिसाब से इसका चार्ज भी अलग अलग होता है। तो आपको जिस हिसाब की मेहंदी लगवानी है, आप अपने बजट के हिसाब से लगवा सकते हैं। इसके अलावा आप अगर मेहंदी में किसी की तस्वीर या कुछ अलग प्रकार की कलाकृतियां बनवाते हैं तो इसका चार्ज भी अलग से देना होता है। चूँकि मेहंदी का काम काफ़ी बारीकी और अधिक समय वाला होता है, साथ ही आप किसी की तस्वीर बनाने के लिए कहते हैं तो आप उनसे 10,000 रुपये तक चार्ज कर सकते हैं। सातवां है, मेहंदी पार्लर खोलने में कितना निवेश होगा। तो मेहंदी का बिजनेस शुरू करने में आपको कोई निवेश करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तो आपका खुद का हुनर है, आप जितने में चाहें उसे बेच सकते हैं। एक मेहंदी का कोन मुश्किल से 10 से 20 रुपए में आता है, कहीं कहीं तो मेहंदी बनवाने वाले ही मेहंदी आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। इसके अलावा आप मेहंदी के कोन अगर बेचना भी चाहें तो उसके लिए मुश्किल से आपका 5 से 6 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा, और साथ में आप इसे अपने मेहंदी पार्लर में रखकर बेच भी सकते हैं और एक और बिजनेस आपका खुल जाएगा। फिर अगली बात आती है कि कैसे करें मेहंदी की मार्केटिंग। तो मेहंदी की मार्केटिंग इस बात पर डिपेंड करती है कि आप कितनी सुंदर मेहंदी बना सकते हैं। जितनी सुंदर आपकी मेहंदी की डिज़ाइन होगी, आपकी डिमांड भी उतनी बढ़ जाएगी। कभी कभी तो किसी शादी में जाने के दौरान वहाँ के देखने वाले लोग ही आपको अगली शादी में हायर कर लेते हैं। किसी भी चीज़ की मार्केटिंग के लिए आज के समय में सोशल मीडिया सबसे अच्छा ऑप्शन है। आप चाहें तो यूट्यूब पर अपनी मेहंदी के वीडियो डाल सकते हैं, इसके अलावा इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक का भी सहारा ले सकते हैं।
इसके साथ ही सोशल मीडिया की हर साइट पर अपना मोबाइल नंबर भी डालें ताकि लोगों को आपका पता आसानी से मिल जाए और वे अपना ऑर्डर सही जगह दे पाए। इसके अलावा मार्केटिंग के लिए अपना विजिटिंग कार्ड और बैनर बनवाएं। जब आप कहीं भी मेहंदी लगाने जा रहे हैं तो वहां के सभी लोगों में अपने विजिटिंग कार्ड दे दें और अपने बिजनेस की जानकारी उन्हें दें। अगला और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल आता है कि कितनी होगी मेहंदी के बिजनेस में कमाई। तो जितनी अच्छी आपकी मेहंदी की डिज़ाइन होगी, जितनी डिमांड होगी, उतना ही पैसा आप चार्ज कर सकते हैं। शुरुआत में आप थोड़ा चार्ज कम रखें ताकि मार्केट में आपकी एक बार रेपो बन जाए तो आप फिर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चार्ज कर सकते हैं। इसके बाद आप अपनी डिज़ाइन के हिसाब से भी पैसे ले सकते हैं। जब आपके पास अधिक से अधिक लोग सीखने आने लगें, वो मेहंदी लगवाने लगें, तो आप महीने में 20,000 के करीब तो आराम से कमा पाएंगे। इससे ज़्यादा भी आप कमा सकते हैं अगर आपकी डिमांड ज़्यादा है। समय के अनुसार आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे आप एक अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। ये काम दिखने में भले ही छोटा हो, लेकिन आप इसे प्रॉपर तरीके से करते हैं तो एक समय के बाद इसमें आप लाखों तक कमा सकते हैं। ओके क्रेडिट आपके बिजनेस का सच्चा साथी।